किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता हिंदू भाइयों के यहाँ की सबसे मोतबर किताब है। ये पेज नंबर 154 है। ये किताब छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता सुनिएगा। कहा वायुर्दे यर्मुगुड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पिता महष्ट नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयो भी नमो नमस्ते। और आगे सुनिए, इसी किताब के पेज नंबर 23 पे लिखा है अधर्माभिभवा कृष्णा पर दुष्यंती कुल स्त्री क्या स्त्रीषु दुष्टाशु वाणिष्णे छायते वर्ण शंकर पंडितम गौदानम स्वाहा। के माँ बाप की दुआओं में असर कितना होता है। माँ बाप की दुआएं इंसान को अल्लाह का वली बना देती है। जितने बुजुर्गान दीन की आप तारीख पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि उनकी विलायत में यकीनन माँ बाप की दुआएं शामिल है। जितने लोग तरक्की करते हैं यकीनन उसमें माँ बाप की दुआओं का असर होता है। और इंशाल्लाह अगर आपकी मोहब्बतें होंगी तो इंशाल्लाह मैं आफदरात को जिसके लिए मैं पहचाना जाता हूँ इंशाल्लाह वो चीज़ें में भी आपको सुनाऊंगा। हजरत लोगों की भी फरमाइशें हैं इंशाल्लाह मैं पूरी करूँगा। आप ऐसी महफिल में आए हैं कि ऐसी महफिल को न तो कोई अपनी मर्जी से सजाता है, न तो ऐसी महफिल में कोई अपनी मर्जी से आता है, बल्कि जिसे मदीने वाले मुस्तफ़ा बुलाते हैं वही ऐसी महफिल में आया करता है। अपनी मर्जी से कोई नहीं आ सकता है। अगर कोई नहीं आता है तो समझे कि हुजूर ने उन्हें ऐसी महफिल में बुलाया ही नहीं है। बहुत सारी रातें जिंदगी में आती है, बहुत सारी रातें लोग खेल कूद में गुजार देते हैं, लेकिन आज की रात अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप खुश नसीब हैं कि ऐसी महफिल में आकर बैठे हैं जहां पे अल्लाह के फरिश्ते भी आया करते हैं। अल्लाह ताला इलाके के इन उलमाए किराम को सलामत रखे। मैं पूरे हिंदुस्तान का दौरा तकरीबन किया हूं, लेकिन मैंने दो जगह उलमाए किराम से गांव वालों की तारीफें मैंने सुनी है। एक जगह मालदा में मिलकी एक गाँव है जहाँ पे इमाम साहब भी अवाम की तारीफ करते हैं, और यहाँ भी मौलाना इकरामुल हक साहब क़िबला से जब बात हुई तो उन्होंने तभी से आप लोगों की मोहब्बतों के चर्चे हमारे सामने किए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन उलमाए किराम को उम्र खिज्र अता फरमाए। इलाके के उलमा की आप बहुत ज्यादा कद्र करें। मैं दो घंटे के बाद चला जाऊंगा, महबूब जफर देहलवी साहब दो घंटे बाद आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन कल जब आपकी माँ का जनाजा उठेगा, आपके बाप का जनाजा उठेगा, तो दौड़कर सबसे पहले आपके यही उलमाए किराम आपकी माँ आपके बाप के जनाजे को कांधा देने को आगे आएंगे। इसलिए आप अपने उलमा की कद्र करें। जरा एक मरतबा पूरा मजमा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह माशाल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जितने लोग बोल रहे हैं उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना अपने महबूब का गुम्बदे खजरा जरूर दिखा देना। अल्लाह ने आंखें दिया है, कितने लोग ऐसे हैं इस जमीन पे। अल्लाह ने हाथ तो दिया है लेकिन अल्लाह ने हाथ में ताकत नहीं दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ने हाथ ही नहीं दिया है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने पांव तो दिया है लेकिन पांव में चलने की ताकत नहीं दिया है। लेकिन हम और आप कितने खुश नसीब हैं, अल्लाह ने हाथ भी दिया है, पांव भी दिया है, दोनों चीजों में ताकत भी अता फरमाया है। अल्लाह ने जबान भी दिया है, जबान में बोलने की ताकत भी अता फरमाया है। अल्लाह ताला के करोड़ों एहसानात हैं। अल्लाह ने आंखें दिया है, ये आंखें अल्लाह ने बुराई देखने के लिए नहीं दिया है। आंखें अल्लाह ने कुरान के पारे हुजूर के गुंबद को देखने को दिया है। इसलिए अगर अल्लाह ने दौलत आपको दिया है, सीवान वालों की दौलत के चर्चे तो पूरे हिंदुस्तान में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इन दौलत को आप और जगह पे न उड़ाएं, बल्कि आप इस दौलत के जरिए हुजूर का रोजा देखें।
अगर आपने हुजूर का रोजा देख लिया, अल्लाह की कसम वहां से आप पलट के आएंगे, सारी दुनिया को आप भूल जाएंगे। हुजूर का रोजा जब आपकी आंखों में जब बस जाएगा, ऐसा लगेगा सारी दुनिया की चीजें फीकी पड़ गई है, हुजूर के गुंबद का जलवा आंखों में समा गया है। इसलिए आप जाए, और मैं गुजारिश करूंगा जितने लोग यहाँ पर बैठे गए, अल्लाह ने मालदार अगर बनाया है, आप अपने पैसों के जरिए आप ताजमहल ना देखें कुछ नहीं होगा, लाल किला ना देखें कुछ नहीं होगा, बंगाल की खाड़ी ना देखें कुछ नहीं होगा, कश्मीर की वादी ना देखें कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा है तो आज के लहीजी की सरजमीन पे हजरत मास्टर मुजफ्फर हुसैन साहब इमाम साहब के दरवाजे पर आज जिक्र मुस्तफा की महफिल में अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों मोइनुद्दीन कादरी का एक ये जुमला याद करके जाना, अल्लाह ने अगर दौलतमंद बनाया है तो फिर कुछ दुआ ना मांगना, दुआ ये करना, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, अल्लाह तूने मुझे आंखें अता फरमाई है, जब आंखें दिया गए इन आंखों में रोशनी अता फरमाया गए, हमें कुछ ना दिखाना, हुजूर का गुंबदे खदरा जरूर दिखा देना। और मैं माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, जो मेरी माँ बहनें सुन रही है, मेरी माँ बहनों, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है, अपने शौहर से बेजा फरमाइश न करना, अपने शौहर से कंगन पाजेब ना मांगना, कीमती सलवार सूट ना मांगना, बल्कि माँ बहनों अगर तेरे शौहर को अल्लाह ने गरीब बनाया है, उनकी गुरबत पे सब्र कर लेना, और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया है तो अपने शौहर से कहना, ए मेरे सरदार हमें कुछ ना दिखाइए, अगर सच्ची मोहब्बत करते गए हमें मदीने वाले मुस्तफा का गुंबदे खदरा दिखा कर लाइए, क्योंकि हमने सुना गए जो एक मर्तबा हुजूर के गुंबदे खदरा को देख लेता गए तो जब वो वापस आता गए तो वो यही झूम कर गाता गए, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा, कल भी था और आज भी है, पूरा मजमा आज भी है, आप बोलकर बताएं मोइनुद्दीन कादरी शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह इसके बाद मैं मंत्र भी पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिए और पूरा मजमा बोलिएगा, और इंशाल्लाह अजीज मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें करेगा हवाला के साथ करेगा, आप मेरा जहन बना दें, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करके रख देगा, और आज के बयान को आप कल परसों तक नहीं इंशाल्लाह कई बरसों तक याद रखेंगे, बस आप मेरा जहन बना दें, पूरा मजमा जरा झूम कर देखें, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा, कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा, कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से था, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। अगर इजाजत हो एक शेर और पढ़ दूं, एक शेर और पढ़ दूं, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जरा सुनिएगा, बतला दो गुस्से ताखे नबी को गैरत सुननी सिरता है, अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा, दीन पे मर मिटने का जज्बा, कल भी था और आज भी है, दीन पे मर मिटने का जज्बा, कल भी था और आज भी है, तो मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी था और आज भी है।
इजाजत हो तो एक मंत्र पढ़ दूं। अरे इजाजत है, इक्को थोड़ा सा कम कीजिए भाई साहब, माइक ऑपरेटर साहब, इक्को थोड़ा सा कम कर दीजिए। देखिए मोइनुद्दीन कादरी जितना मंत्र पढ़ेगा हवाला के साथ पढ़ेगा, एक मंत्र अगर कोई गलत साबित कर दे मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इनाम देगा। क्योंकि मेरे हाथ में श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता ये कौन सी किताब है? हिंदू सज्जन के यहाँ की सबसे मोतबर किताब श्रीमद् भागवत गीता मानी जाती है। ये श्रीमद् भागवत गीता है मेरे हाथ में, ये आप जरा देखिए पेज नंबर 154 है, श्रीमद् भागवत गीता है। मोइनुद्दीन कादरी ऐसी महफिलों में इसलिए पढ़ता है ऐसी किताबें ताकि लोगों को पता चल जाए। आज जो लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें करते हैं, याद रखिएगा हमारा इस्लाम वो नहीं है जो टीवी के डिबेट पर दिखाया जाता है। हमारा इस्लाम वो नहीं है जो टीवी के स्क्रीनों पर दिखाया जाता है। हमारा इस्लाम वो नहीं है जो किसी शराबी को देखकर लोग इस्लाम समझना चाहते हैं। लेकिन आज मौलाना इकरामुल हक साहब, आज मामला ये है, लोग किसी शराबी को देख लेते हैं और ये समझते हैं यही इस्लाम है। किसी जुआड़ी को देख लेते हैं लोग समझते हैं यही इस्लाम है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप किसी शराबी को देखकर इस्लाम को मत समझो, आप किसी जुआड़ी को देखकर इस्लाम को मत समझो, बल्कि अगर इस्लाम को समझना चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा की जीवनी को पढ़ो, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत को पढ़ते जाओ, इस्लाम समझ में आता चला जाएगा। लेकिन मैं इसलिए ऐसी जगह से मैं ऐसी किताबें पढ़ता हूं ताकि लोगों को यह पता चल जाए कि हम तो अमन का पैगाम देते हैं, हम तो शांति का पैगाम देते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है, और वो मंदिरों मस्जिद में लड़ा देते हैं हमको। हम हैं के कोई बात समझते ही नहीं है, हम हैं के कोई बात समझते ही नहीं है। भाई मेरे, हम यहां से अमन का पैगाम देते हैं। जो लोग कहते हैं इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता है, इस्लाम इंसानियत का पैगाम नहीं देता है, वो कान खोल कर मेरी बातों को सुने। हम तो ऐसे जलसों से भी पैगाम देते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है, ये हमारे वतन की जीनत है। हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम अमन का पैगाम देते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये मुसलमान भड़क जाता है, ये मुसलमान भड़क जाता है। मैं गारंटी से कहता हूँ, मोइनुद्दीन कादरी की बातों को छोड़ो, मौलाना इकरामुल हक साहब की बातों को छोड़ो, मास्टर मुजफ्फर साहब की बातों को छोड़ो, यहाँ जितने लोग बैठे गए इनमें से 10 साल के एक बच्चे को उठाकर पूछो, ये भी कहेगा सुनो सुनो तुम हमको गालियां देना है दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारी माँ को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियां देना है दे दो, हमारे खानदान को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में किसी ने गुस्ताखी की तो फिर याद रखना ये दौलत क्या, ये खानदान क्या, हम अपनी जान को भी मदीने वाले मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार है। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा से इश्क करना बरेली के रजा ने सिखाया है, आला हजरत ने बताया है कि लोगों जिंदगी जीना है तो ऐसे जियो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और आका हम
आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। याद रखिए हम मदीने वाले मुस्तफा से प्यार करते हैं, लेकिन जो लोग इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को समझिए। अल्लाह की कसम कहता हूँ आपको इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी। मैं बताऊंगा कि इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। याद रखिएगा किसी ऐरे गैरे को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत कीजिए। आइए मैं एक मंत्र पढ़ देता हूँ, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, हिंदू भाइयों के यहाँ की सबसे मोतबर किताब है। ये पेज नंबर 154 है। ये किताब छपी है गीता प्रेस गोरखपुर से। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, सुनिएगा। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्टम पर पिता महष्ट नमो नमस्ते सुसाहस्कृता पुनश्च भोयो भी नमो नमस्ते। और आगे सुनिए, इसी किताब के पेज नंबर 23 पे लिखा है, अधर्मा भी भवत कृष्णा पर दुष्यंति कुल स्त्री क्या स्त्रीशु दुष्टाशु वाणिश्रे छायते वर्ण शंकर गणेशियम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लम्लगीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सो विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट अश्चर्य गुणवती गिरीह नील गंधा अति ज्योति मैं प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम परभो गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छ दीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है, लोगो हैदराबाद का रहने वाला है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब ज़बान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए, लोगो शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्यर चार मगा सुख सागर चरणन गे गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यर चार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय पे बिना मुहम्मद पार न होए भए। अब जरा सुनिएगा, मैंने जो मंत्र पढ़ा है, लोग जो इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं, मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई इस्लाम को समझिए तो पहले। इस्लाम क्या पैगाम देता है? इस्लाम तो इंसानियत का पैगाम देता है। जो लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती, इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता है, वो गौर से सुने मेरी गुफ्तगू। इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है। हमारे भी हाथ में नाखून है, आपके भी हाथ पाँव में नाखून है। ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए? अगर आप मौलाना इकरामुल हक साहब से पूछिए, ये बताएंगे कि 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काट लेना चाहिए। 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा गया है किताबों में। 40 दिन के अंदर अंदर काट लेना चाहिए। लेकिन सुनिए, एक किताब का नाम है फतवाए आलमगीरी, उस किताब में एक मसला लिखा है, यूं तो 40 दिन के अंदर नाखून काट लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई शख्स गाय का दूध निकालता हो, अगर कोई भैंस का दूध निकालता हो, कोई जानवर का दूध दोहता हो, तो मसला यह है कि उनके लिए बेहतर है कि वो 40 दिन का इंतजार ना करे, बल्कि वो 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट ले। आखिर वजह क्या है, रीजन क्या है? हमारे लिए 40 दिन, मौलाना साहब के लिए 40 दिन,
दिन, इमाम साहब के लिए 40 दिन, आपके लिए 40 दिन, लेकिन जो जानवर का दूध निकालता हो बेहतर है कि 10 दिन में काट ले। क्यों आखिर बेहतर उनके लिए कि 10 दिन में काट ले? आगे उसी किताब में रीजन ये लिखी है, इस्लाम की खूबसूरती को तो देखें, इस्लाम की ब्यूटीनेस को तो देखें, इस्लाम की अच्छाई को तो देखें, इस्लाम कैसे मानवता का पाठ पढ़ाता है इसे तो देखिए। आगे रीजन ये लिखी गई है उस किताब में, कहा गया कि जो जानवर का दूध निकालता हो अगर वो 10 दिन के अंदर नाखून नहीं काटेगा, उसके नाखून पड़े रहेंगे। हो सकता है कि जानवर का दूध निकालने में कहीं जानवर के थन में नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच्चे दिल पर हाथ रखकर बताना कि जो मजहब इस्लाम जानवरों के बारे में इतना ख्याल करने का हुक्म देता है, वो इंसानों की कितनी कदर बताता होगा, वो मानवता का कैसा पाठ पढ़ाता होगा। लेकिन लोग बौखला जाते हैं, लोग कहते हैं ये इस्लाम को मानवता नहीं आती, इस्लाम मानवता का संदेश नहीं देता। मेरे भाई, इस्लाम बहुत प्यारा मजहब है, इस्लाम की खूबसूरती को देखना चाहते हो। माइक वाले भाई साहब आवाज बढ़ा दो, बाबू आवाज तुम्हारी दब गई मुकम्मल तौर पे, सिर्फ आवाज खोल दीजिए, जरा सुनिएगा इस्लाम क्या पैगाम देता है। लेकिन लोग इस्लाम को समझें तभी तो। याद रखिएगा, इस्लाम को पढ़े लिखों के दरमियान जब पेश किया जाएगा, यकीनन उसको इस्लाम से मोहब्बत हो जाएगी। और इस्लाम अगर जाहिलों के दरमियान पेश किया जाएगा तो जाहिलों को इस्लाम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहां तो समझने की बात है। इस्लाम पैगाम क्या देता है? इस्लाम कहता है कि लोगों, अगर तुम उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तेरा पड़ोसी तेरी तकलीफ से महफूज ना हो जाए, ये इस्लाम कहता है। कितना प्यारा संदेश है। इस्लाम कहता है लोगों, अगर तूने किसी की दीवार को अपने नाखून से चलते चलते खुरच दिया, मिट्टी की दीवार को, इसमें जो मिट्टी आएगी नाखून में, उस मिट्टी के बारे में भी अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। तो जो मजहब इस्लाम मिट्टी नाखून में आ जाए, जो मिट्टी के बारे में जब अल्लाह पूछेगा, तो इस्लाम कहता है अगर तूने किसी के दिल को चाक कर दिया, किसी के दिल को तकलीफ पहुंचाया, किसी के दिल को ठेस पहुंचाया, अल्लाह तेरे तुझसे सवाल करेगा कयामत के दिन। इस्लाम की खूबसूरती को मुलाहजा करते जाएं। यही नाखून हमने काट दिया, सर के बाल को काट दिया, ये तो खत्म, इसमें जान तो नहीं है कटे हुए नाखून और बाल में। लेकिन इस्लाम कहता है इस कटे हुए नाखून और सर के कटे हुए बाल को आप किसी गंदी जगह में नहीं फेंक सकते हैं, आप कहीं कचरे के ढेर में नहीं फेंक सकते हो। क्यों? कहा गया कि इसे मिट्टी के नीचे दफन कर दो। अल्लाह को अकबर, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो मजहब इस्लाम कटे हुए बदन के आजा के बारे में इतना सम्मान सिखाता है कि कचरे के ढेर पे मत फेंको, वो जिंदों की कितनी कदर बताता होगा। ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम ने पैगाम क्या क्या दिया है जरा गौर से सुनते जाइएगा। इस्लाम कहता है कि लोगों, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है, ये जहन्नम की आग को अगर कोई इंसान समझ ले, अल्लाह की कसम वो कभी गुनाह के रास्ते पे कदम नहीं उठाएगा। अगर जहन्नम की आग को समझ ले, जहन्नम की आग कितनी भयानक है, दुनिया की आग को सबों ने देखा है। माँ बहनों से पूछिए, जून जुलाई के महीने में अगर कोई किचन में जाए, किचन में इतनी गर्मी शिद्दत की होती है कि आदमी का वहां खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। ये तो दुनिया की आग है, अगर नाखून में लग जाए या उंगली में लग जाए आदमी परेशान हो जाता है। ये तो दुनिया की आग है मेरे भाई, लेकिन जहन्नम की आग इतनी भयानक है। कहा गया है, किताबों में आता है कि जहन्नम की आग को 70
हर मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। अल्लाहु अकबर। इस आग से बचाने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है, बचने के लिए और घर वालों को बचाने के लिए। अल्लाह ने औलाद को भी बचाने का हुक्म फरमाया, बीवी बच्चों को सबको बचाने का हुक्म दिया कि उस रास्ते पर मत चलने दो अपने घर वालों को जो रास्ता जहन्नम में लेकर जाता हो, जो रास्ता सीधा जहन्नम जाता हो। क्यों कहा हुजूर ने? इसलिए कि लोगों, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है औलाद की कदर कीजिए, वरना उनसे जाकर पूछिए जिनको अल्लाह ने सारी दौलत से नवाजा है लेकिन अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है, न तो बेटा दिया है न तो बेटी दिया है। उनसे जाकर पूछिए। हमने गुजरात में एक शख्स को, सेठ साहब को देखा। अभी कुछ दिन पहले मैं गुजरात में था, एक सेठ साहब के यहाँ ठहरना मेरा हुआ, वही कयाम गा। लेकिन जानते हैं उनके पास कितना बड़ा वो सेठ है? चार चार सरिया बनाने वाली, रड बनाने वाली फैक्ट्रियां उनके पास मौजूद है, जाती कंपनी उनके पास मौजूद है, उनके पास दस दस गाड़ियां है फोर व्हीलर। उनकी बिल्डिंग देखिएगा तो तंग रह जाइएगा, सारी चीजें नौकर चाकर गुलाम सब उनके पास है, लेकिन चेहरा उतरा उतरा सा रहता है। हमने पूछा, ओ सेठ साहब ये बताओ, चार चार फैक्ट्रियां है, दस दस गाड़ियां है, ये आलीशान बिल्डिंग है, ये आलीशान बंगला है, नौकर चाकर काम करते हैं, अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, अगर बैठ कर तुम खाओगे सारी दौलत तुम्हारी खत्म कभी नहीं होगी, अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों रहती है? कहा कि क्या बताएं हजरत, सारी चीजें अल्लाह ने दिया है लेकिन मैं इन मकान का क्या करूंगा, इन फैक्ट्रियों का क्या करूंगा, इन दुकानों का क्या करूंगा, इन नौकर चाकर गाड़ियों का मैं क्या करूंगा। मैंने कहा क्यों? कहा कि हजरत सारी चीजें अल्लाह ने दिया है लेकिन इन चीजों का वारिस यानी मेरा, मुझे अल्लाह ने कोई औलाद नहीं अता फरमाया है। वो दिन को रोता है, कहा हजरत घर जाता हूँ घर मुझे काटने को दौड़ता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, आप एक मजदूर को देखिए जो रिक्शा चलाता है, आठ घंटा कोदाल चलाता है, आठ घंटा मजदूरी करता है, लेकिन घर आता है, अगर अल्लाह ने कुछ नहीं भी दिया है, आठ साल पांच साल चार साल की एक बेटी घर में है, आता है चार साल की गुड़िया को अपने सीने से लगाता है, अल्लाह इतनी खुशियां अता फरमाता है, ऐसा लगता है आठ घंटे की मेहनत और मजदूरी को थकन को वो भूल जाता है और जिंदगी में अल्लाह खुशियां ही खुशियां अता फरमा देता है। औलाद की मोहब्बत। लेकिन याद रखिएगा, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है तो औलाद की कदर कीजिए। कदर करने का क्या मतलब है? औलाद को आप गिफ्ट देते हैं, औलाद को तोहफा देते हैं, औलाद के लिए बर्थडे में कोई मोटरसाइकिल औलाद को गिफ्ट कर देता है, कोई साइकिल गिफ्ट कर देता है। औलाद को तोहफा देने वालों सुनो, हुजूर ने क्या फरमाया है? हुजूर फरमाते हैं, अगर एक बाप अपनी औलाद को तोहफा देना चाहे, सबसे बड़ा तोहफा यह है कि अपनी औलाद को अच्छा अदब सिखा दे, अच्छी तरबियत कर दे। अगर आपने औलाद को नेकी की बातें नहीं सिखाया, हमारा समाज इसीलिए तो उजड़ रहा है, अगर आपने अपनी औलाद को नेक नहीं बनाया तो याद रखिएगा, 70 साल में जो दौलत आपने कमा कर जमा किया है, 10 बीघा जमीन खरीदा है, 5 मंजिला मकान बनाया है, 70 साल में आपने जो जमा किया है, औलाद अगर नेक नहीं होगी तो आपके इंतकाल के 7 साल के बाद वो औलाद सारी दौलत को बेच कर खा जाएगी। अगर औलाद शराबी है, अगर औलाद जुआबाज है, अगर औलाद नाफरमान है, सारी दौलत को 7 साल में खत्म कर देगा। हमने इस उम्र में कितने लोगों को देखा है, बाप इलाके का राजा था, बाप इलाके में सबसे बड़ा मालदार, 30 बीघा जमीन का मालिक था, लेकिन सब कुछ किया उसने, मकान बनवाया, दुकान बनाया, बिल्डिंग बनाया, गाड़ी खरीदा, लेकिन अपनी औलाद को नेक नहीं बनाया, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत वाला नहीं बनाया, तो उसके इंतकाल के 5
पांच साल के बाद 30 बीघा जमीन बेच दिया बेटा। हमने कहा क्यों? गलती बेटे की कम है, उससे बड़ी गलती उसके बाप की है कि उसने सब कुछ तो बेटे के लिए दिया लेकिन बेटे को अच्छा इंसान नहीं बनाया, बेटे को फरमा बरदार नहीं बनाया। याद रखिएगा, एक इस जगह ठहर कर एक और बात बता दूं, औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई शराब पीकर कहीं पलटी मारा रहे और वो ये सोचे कि मेरा बेटा 5 वक्त का मस्जिद का नमाजी बन जाए, वो जुआ खेलता रहे बाप और वो सोचे कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए। याद रखिएगा, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है औलाद को सवारने में। आज तो यहाँ हालत ये हो गई है, 3 साल 4 साल के बच्चों को स्कूल में लोग डाल देते हैं। भाई स्कूल में वो 4 साल के बच्चों को मास्टर साहब क्या पढ़ाएंगे? याद रखिएगा, बच्चे के लिए सबसे पहला स्कूल, सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद हुआ करती है। माँ अगर जैसा करेगी, बाप जैसा करेगा, वो बेटा बाप को देखेगा। बाप अगर नमाजी होगा तो बेटा गद्दार नहीं, बेटा बड़ा होकर मुस्तफा का वफादार बनेगा। और अगर माँ नमाजी होगी, माँ नेक होगी, तो बेटी बड़ी होकर वो अय्याश नहीं बनेगी बल्कि बेटी बड़ी होकर कनीज़े फातिमा बनेगी। माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। अपनी औलाद पे नजर रखिए, नजर रखिए, आगे का दौर बहुत भयानक आने वाला है। अपनी औलाद पे नजर रखिए, आपकी औलाद किसी बुरे की सोहबत में ना जाए, आपकी औलाद किसी गंदे की सोहबत में ना जाए, आपकी औलाद किसी शराबी की सोहबत में ना बैठे। माँ बाप का कितना बड़ा रोल होता है। आपने ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुना है, ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? थोड़ा सा बढ़ाइए, बढ़ाइए, हल्का सा बढ़ाइए। ख्वाजा गरीब नवाज है। एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे, देखिए माँ बाप का कितना बड़ा रोल होता है। ख्वाजा गरीब नवाज है, रास्ते से गुजर रहे हैं, 1000 का मजमा लगा हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज वहां पहुंचे, तकरीर करने लगे, हदीस पढ़ने लगे, कुरान पढ़ने लगे। अल्लाह अल्लाह, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज है, कुरान पढ़ते जाते गए, हदीस पढ़ते जाते गए, वाज करते जाते गए, लोगों को नसीहत करते जाते गए। नसीहत में अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज की जबान में वो असर अता फरमाया था कि ख्वाजा गरीब नवाज की तकरीर सुनकर मजमे में 1000 लोगों ने गुनाहों से तौबा कर लिया, कलमा पढ़कर इस्लाम से वाबस्ता हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज घर पहुंचे, मुस्कुराने लगे, सुनिएगा, मुस्कुराने लगे। माँ कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन मुस्कुरा क्यों रहा है? ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह एक ऐसी बारगाह है, आला हजरत ने लिखा है, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां पे कोई अगर सच्चे दिल से जाकर दुआ मांग ले, अल्लाह उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। वो कोई और बारगाह नहीं, वो बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह है। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराने लगी। माँ कहने लगे, ओ बेटा मोइनुद्दीन, ये बताओ तू मुस्कुराता क्यों है? कहा, बे माँ, आज तेरा बेटा मुस्कुराएगा नहीं तो क्या करेगा? ए बेटा मोइनुद्दीन, ये बताओ हुआ क्या है? कहो माँ, तेरा बेटा आज रास्ते से गुजर रहा था, रास्ते में कुछ लोग खड़े थे, 1000 लोगों का मजमा लगा हुआ था, तेरे बेटे ने ऐसी तकरीर की है, तेरे बेटे के वाज़ो नसीहत को सुनकर 1000 लोगों ने गुनाहों से तौबा कर लिया है और कलमा पढ़कर इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गया है। जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। माँ कहने लगी, सुने माँ क्या कहने लगी? बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरा कमाल नहीं है, देखे माँ बाप की दुआएं कितनी रंग लाती है। कहने लगी, बेटा मोइनुद्दीन, इसमें तेरा कमाल नहीं है बल्कि इसमें तेरी माँ का कमाल है। सुभान अल्लाह, माँ तकरीर तेरे बेटे ने किया, तेरा क्या कमाल है? माँ कहने लगी, ए बेटा मोइनुद्दीन, सुनो सुनो, ये जमीन गवाह है, ये आसमान गवाह है, ये घर के दरो दीवार गवाह है। बेटा मोइनुद्दीन,
करीम, जब तू छोटा सा था तेरी माँ जब तुझे दूध पिलाती थी, जब तुझे दूध पीने की जरूरत होती थी तो ये घर के दरो दीवार गवाह है, तेरी माँ ने आज तक कभी भी तुझे बेवजू दूध ना पिलाई, बल्कि तेरी माँ जब भी दूध पिलाई है तो वजू करने के बाद दूध पिलाई है। ए बेटा मोइनुद्दीन, ये बावजू दूध पिलाने का नतीजा है, अल्लाह ने तेरी जबान में ये असर अता फरमा दिया है। अल्लाह अकबर, ये माँ बाप की दुआएं हैं। इमाम बुखारी का नाम आपने सुना है, इमाम बुखारी ने ऐसी किताब लिखी है कि कुरान मजीद के बाद सबसे मोतबर किताब अगर रूए जमीन पर कोई है तो वो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी क्या ऐसे ही इमाम बुखारी बन गए? इमाम बुखारी भी माँ की दुआओं के सदके में इमाम बुखारी बने हैं। अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इमाम बुखारी अभी पैदा ना हुए थे, माँ के शिकम में थे। इमाम बुखारी की माँ दुआ मांगती है, ए पाक परवरदिगारे आलम, ए खालिके कायनात, ए रब्बे काबा, मेरे शिकम में जो बच्चा पल रहा है, जब ये बच्चा पैदा होगा मेरे मौला, ये बच्चा जब बड़ा होगा तो मैं इसे दुनियादार ना बनाऊंगी, बल्कि तेरे महबूब के हदीस का आलिम दीन बनाऊंगी। इमाम बुखारी की माँ वालिदा दुआ करती है। इमाम बुखारी पैदा हो गए, सुनिए, पैदा हुए इमाम बुखारी, पैदा जब हुए ना 6 साल की उम्र तक इमाम बुखारी के घर में खुशियां ही खुशियां। नाम रखा गया मोहम्मद बिन इस्माइल, नाम तो रखा गया। 6 साल की उम्र को पहुंचे, एक ऐसा हादसा हुआ, इमाम बुखारी के आंखों की रोशनी गायब हो गई, आंखों की बीनाई चली गई। माँ दहाड़े मार मार कर रोने लगी, माँ सजदे में जाकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, ए पाक परवरदिगारे आलम, ये बेटा मैंने अपने लिए थोड़ी मांगा था, मैंने तो बेटा इसलिए मांगा था कि मैं अपने बेटे को असाए पीरी ना बनाऊंगी, बुढ़ापे का सहारा ना बनाऊंगी, मैंने तो बेटा इसलिए मांगा था कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मैं इसे कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम बनाऊंगी। अब माँ रोती रहती है, याद रखिएगा माँ की दुआ में बहुत असर है। माँ की दुआएं, बाप की दुआएं, अगर माँ बाप घर में जिंदा है ना, सिर्फ सांसें उनकी चल रही है, आप खुश नसीब हैं कि माँ बाप आपके घर में हयात से हैं, आपके सरों पर माँ बाप का साया है। आज लोग नौजवानों, आज अगर माँ बात बात पे टोकती है तो नौजवानों को बुरा लगता है, बाप अगर कह दे ओ इधर उधर क्यों जा रहा है, घर में आके आराम कर ले, नौजवान को बुरा लगता है। मैं कहना चाहूंगा नौजवान, आज अगर कोई माँ तेरी टोकती है तुझे बुरा लगता है, तेरा बाप अगर किसी चीज में तुझे तंबीह करता है तेरी नाकें चढ़ जाती है, लेकिन याद रखना आज नौजवानों तेरी हालत क्या हो गई है। आजकल का नौजवान रात के 10 बजे घर से निकलता है, माँ कहती है ओ बेटा कहाँ जा रहा है, तो बेटा कहता है माँ बस अभी गया, अभी आया, अभी गया, 10 मिनट में आया। लेकिन नौजवानों हालत ये होती है, रात के 11 बज जाते गए तू घर नहीं आता गए, रात के 12 बज जाते गए तू घर नहीं आता गए, रात के 1 बज जाते गए तू घर नहीं आता गए। अब रात के 1 बजे आपकी माँ आपके बूढ़े बाप के बिस्तर के करीब पहुंचती है। भाई साहब आवाज समझ में भी आनी चाहिए, हाँ ठीक बजा रहा, थोड़ा हल्का से इक्को खाली कम कीजिए। माँ से आप जब कह कर जाते गो नौजवानों के माँ अभी गया अभी आया, रात के 1 बज गए तू घर ना आता है, तेरी माँ बेदार होती है बिस्तर से, तेरे बाप के सिरागने में पहुंचती है, वो तेरे बूढ़े बाप को बेदार करती है, अरे फला के अब्बू, अरे देखें तो सही अपना बेटा कहाँ चला गया है। अब वो तेरी बूढ़ी माँ पीछे पीछे टॉर्च की रोशनी दिखाती चलती है, तेरा बूढ़ा बाप वो लाठी का सहारा लेकर आगे आगे चलता गए, तू चौराहे पर गप्पे दोस्तों के साथ मारता मिलता गए।
गए, वहां पे चौराहे पर गपशप करता नजर आता गए। तेरी माँ कहती है ओ मेरा लाल, ये बता रात के 1 बज गए, तू तो कहा था कि अभी गया अभी आया, 10 मिनट में आया, 11 बज गए तू ना आया, 12 बज गए तू ना आया, 1 बज गए तू ना आया। ए मेरा बेटा, ये जमाने वाले बेहतर नहीं है, जमाने की हालत ठीक नहीं है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, कोई दुश्मनी निकाल लेगा। तो बेटा झुंझला कर कहता गए ओ माँ, मैं छोटा नहीं हूं, अब बड़ा हो गया हूं, मेरे भी दोस्त तैयार है, हमें भी कम से कम इधर उधर घूमने का मौका दीजिए। मैं कहना चाहूंगा मेरे भाई, आज तू झुंझला कर बात कर लेता है, लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जिस दिन तेरी यही माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, जो तेरा बाप बिस्तर पे गए, जो तेरी माँ बात बात पे तंबीह करती है, जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बूढ़ा बाप दुनिया से चला गया, रात के 1 बजे नहीं सुबह के 3 बजे तू बारिश के कतरों में भीग कर आएगा। कोई तेरी खैरियत पूछने वाली घर में माँ की तरह ना होगी। पूछो हजरत महबूब सफर भाई से, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 15-15 दिन बाहर रहता हूँ, जब मैं घर पहुँचता हूँ 15 दिन के बाद, तो मेरी माँ प्लेट में खाना लेकर बैठ जाती है और कहती गए ओ मेरा लाल, ए मेरा सोना, ए मेरा बेटा, तू 15 दिन के बाद घर आया गए। ए मेरा बेटा, तेरी माँ ने 15 दिन के अंदर पेट भर कर खाना नहीं खाया है, ओ माँ तूने खाना क्यों नहीं खाया। बेटा लुकमा तो उठाती हूँ, हलक के नीचे लुकमा नहीं उतरता गए। मैं कहना चाहूंगा नौजवान, घर में जितने लोग होते गए, सबकी नजर आपके बैग पर होती गए, लेकिन माँ बाप पे कैसी नेमत है, जिनकी नजर आपके पैसों पर नहीं होती है, आपके बैग पर नहीं होती है, बल्कि माँ बाप की नजर जब बेटा बाहर से आता गए, सबसे पहली नजर बेटे की सेहत पर होती है। मेरा बेटा तू सूख गया है। मैं कहना चाहूंगा आज अगर माँ बाप घर में हैं, टोकने वाले आपको अगर तंबीह करते हैं, आप खुश नसीब हैं, माँ बाप की इज्जत कीजिए। और अगर माँ बाप जिनके नाराज हैं, तो मैं मिंबरे रसूल से कह रहा हूँ, ऐसे जलसों में आपका आना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है नौजवानों, मस्जिद जाना बेकार है, अजमेर जाना बेकार है, गुजरात जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है, माँ बाप को पहले जाकर राजी कर लो। माँ बाप अगर राजी रहेंगे, अजमेर वाले ख्वाजा खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। माँ बाप अगर राजी हो जाएंगे, गौसे आजम राजी होंगे। माँ बाप अगर राजी हो गए, तो मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। माँ बाप अगर नाराज है ना, जिनके घर जाइएगा, माँ बाप के कदमों से लिपट जाइएगा, अपनी माँ से कहिएगा ओ मेरी माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, ओ माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप अगर आपके नाराज हैं, तो उनसे कहिएगा मेरी माँ ओ मेरे बाबा, आप ही दोनों तो हमारी जन्नत है, आप दोनों ही मेरी दुनिया है, आप दोनों ही मेरी आखिरत है। अगर आप दोनों नाराज हो गए, मेरी दुनिया भी तबाह हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए ओ माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। घर जाइएगा, अपनी माँ से कहिएगा प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आ चल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आ चल की ठंडी हवा चाहिए। पूरा मजमा बोलिएगा दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी। स्टेज से लेकर वहां तक जिनको माँ बाप से जितनी मोहब्बत है, उतनी बुलंद आवाज से पढ़िएगा दुआ चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ।
तेरे आ चल की ठंडी हवा, और ऊंची आवाज में तेरे आ चल की ठंडी हवा। एक शेर और पढ़ दू, इजाजत है। तेरी खिदमत से दुनिया में, माँ से कहिएगा ओ माँ, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। माशाल्लाह, लोरी गा के मुझको सुलाती है तू। माँ आजकल की लोरियां गाती है, लेकिन माँ की लोरियों में भी बड़ा दर्द होता है। आजकल हमारे इलाके में माँ बहने लोरियां गाती है, एक लोरी गाती है जो हमें भी याद है, वो लोरी गाती है, अरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूर। ये हमारे इलाके में गाती है, पता नहीं यहाँ सिवान का भी यही सिस्टम होगा, कुछ न कुछ तो गाती होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा मेरी माँ और बहनों, लोरियां ना गाओ, अगर बच्चा नहीं सोता है तो नाते मुस्तफा गुनगुनाया करो, हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ा करो। लेकिन माँ जब लोरी में अगर नाते मुस्तफा गाए तो फिर अंदाज निराला होता गए, लोरी गा के मुझको सुलाती है तू, और ओ माँ मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू, हम को इसके सिवा और क्या चाहिए प्यारी माँ, मुझको तेरी दुआ। पूरा मजमा मिलके, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। या अल्लाह, जो जितनी बुलंद आवाज से बोल रहे मेरे मौला, माँ बाप अगर जिंदा हो तो माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमा, माँ बाप अगर दुनिया से चले गए हैं तो उनके माँ बाप को जन्नत अता फरमा। जरा माँ बाप के नाम पर मिलकर प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आ चल की ठंडी हवा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। इमाम बुखारी, उनकी वालिदा ने दुआ मांगी, ए मेरे मौला, मेरा जो ये बेटा पैदा होगा इसे दुनियादार ना बनाऊंगी बल्कि तेरे महबूब के हदीस का बहुत बड़ा आलिम दीन बनाऊंगी। आय हाय हाय, जब पहुंचे आंखों की रोशनी गायब हो गई, कितने साल की उम्र को पहुंचे, जरा पूरा मजमा, कितने साल की उम्र को पहुंचे, 6 साल की उम्र को पहुंचे, आंखों की बिनाई गायब हो गई, माँ सजदे में जाकर रोने लगी। कई महीने रोती रही, कई महीने रोती रही, कई महीने रोती रही, आखिरकार एक रात तहज्जुद पढ़कर सोई, ख्वाब में किस्मत बेदार हो गई, ख्वाब में जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम तशरीफ ले आए, तशरीफ लाए हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, आकर बशारत दिया, खुशखबरी दिया, कहा के ओ खातून रोती क्यों है, अब रोना धोना बंद कर, बल्कि सुनो तेरे आंसुओं के कतरों के जरिए मांगी गई दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है, तेरे बेटे की आंखों में अल्लाह ने दोबारा रोशनी अता फरमा दिया है। माँ बाप की दुआएं देखे, माँ की दुआएं क्या रंग लाई है, अल्लाहु अकबर।
बेदार हुई, गई दौड़कर अपने बेटे के बिस्तर के करीब। दूसरे कमरे में बेटा सोया था, मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी अभी बने नहीं थे, 6 साल उम्र है। माँ गई दौड़कर, दरवाजा खोलती है, बेटा ये बता तू देख सकता है? देखा है माँ की दुआओं में कितना असर है। बेटा इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल नाम है, कहने लगा ओ माँ तेरा बेटा तेरे चेहरे को भी देख रहा है और इतनी रोशनी आंखों में आ गई है। तूने जो हरे रंग की चादर ओढ़ी है उस चादर को भी तेरा बेटा अपनी आंखों से देख रहा है। माँ बाप की दुआएं, अल्लाहु अकबर। सुने कहा कि ओ माँ मैं देख सकता हूँ। इमाम बुखारी का बयान है, खुद फरमाते इमाम बुखारी, इमाम बुखारी फरमाते हैं पहले तो रोशनी कम थी, माँ की दुआ के बाद जो अल्लाह ने आंखों में रोशनी दिया इतनी रोशनी आ गई, इतनी रोशनी आ गई, इतनी रोशनी आ गई कि मैं अंधेरी रात में बगैर रोशनी जलाए, बगैर चराग जलाए, माँ की दुआ के बाद इतनी रोशनी आंखों में बढ़ गई कि अंधेरी रात में बगैर चराग जलाए मैं हदीस को पढ़ भी लेता था और हदीस को लिख भी लेता था। अल्लाहु अकबर। ये इमाम बुखारी है। इमाम बुखारी, माँ बाप की दुआएं जरूर रंग लाती है, तो माँ बाप की कदर किया करो। माँ बाप की दुआओं ने, और मैं गारंटी से कहता हूँ, जो काम 10 साल की मेहनत के बाद भी ना मुकम्मल होता हो माँ बाप की दुआएं ले लेना, वो काम अल्लाह माँ बाप की मुख्तसर सी दुआओं के सदके में मुकम्मल फरमा देगा। माँ बाप की दुआएं लीजिए। सुनिए, इस्लाम ने कहा है माँ बाप अगर तेरे नाराज हैं तो तेरा कुछ कबूल नहीं है। माँ बाप को पहले राजी करो, माँ बाप को पहले राजी कीजिए। माँ बाप अगर नाराज है, और माँ को भी चाहिए वो बेटी के लिए, वो उनकी गोद बेटी और बेटा के लिए पहली दरसगाह है, पहला स्कूल है। माँ बाप को भी चाहिए वो भी अपने दामन को पाक रखे, वो भी अपने दामन को साथ रखे, साफ रखे। देखे किताब मैंने जहाँ से छोड़ा था, श्रीमद् भागवत गीता किताब का नाम है, लिखा गया है अधर भी भवत। अधर्म एक होता है धर्म, एक होता है अधर्म। अधर्म कहते हैं पाप को, गुनाह को, बुराई को। अधर्मा भी मन ज्यादा, भवात मन बहुत। अधर्मा भी भवात, बुराई के ज्यादा बढ़ जाने से प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया, औरतों के अंदर अगर बुराई बढ़ जाए बहुत ज्यादा, स्त्रीशु दुष्टाशु वाणिश्ने जायते वर्ण शंकर। अगर औरत के अंदर बुराई बढ़ जाए, स्त्रीशु दुष्टाशु वाणिश्ने जायते वर्ण शंकर, और अगर औरत के अंदर बुराई आ जाए तो फिर नस्लें बिगड़ जाती है, कई नस्लें बर्बाद हो जाती है, कई नस्लें तबाह हो जाती है। ये तो इस्लाम ने भी कहा गए, इस्लाम ने कहा गए माँ अपनी गोद को पाक रखे, बाप अपने किरदार को पाक रखे। माँ बाप अगर किरदार को पाक रखेंगे, अच्छा किरदार वाला बनेंगे, तो बेटा बड़ा होगा तो बेटा गद्दार नहीं होगा, बल्कि बेटा मुस्तफा का वफादार होगा। माँ बाप को अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को सुधारने की जरूरत है। माँ बाप की को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी को सुधारे, अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी को ये समझें। हर इंसान जलसा सुनने आते हैं, दो चार पैगाम ही अगर आप लेकर जाते हैं, हुजूर ने क्या फरमाया है? हुजूर ने फरमाया सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। आका करीम ने फरमाया है तीन लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती है। तीन लोग अगर दुआ मांगते गए, अल्लाह ताला उनकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला हुजूर ने फरमाया दावतुल मजलूम,
मजलूम की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। मजलूम की दुआ को जिस पे जुल्म कोई कर रहा है वो अगर दुआ मांगता है, हदीस में आता है मजलूम की दुआ और अल्लाह की रहमत के दरमियान कोई पर्दा नहीं हुआ करता है। मजलूम अगर दुआ मांग ले, इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचा करो। मजलूम अगर बद्दुआ कर दे तो भी कबूल हो जाए, मजलूम अगर दुआ मांगे तो भी कबूल हो जाए। मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। व दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। तीसरी चीज, ये बड़ी चीज है, हुजूर ने फरमाया दावतुल वालिदी लिवलदिही, वालिद की दुआ को, वालिदा की दुआ को, माँ बाप की दुआ को, औलाद के लिए अगर कोई माँ बाप दुआ मांगे, औलाद के हक में माँ बाप की तरफ से मांगी हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। अल्लाह कबूल फरमाता है, इसलिए माँ बाप से दुआएं लीजिए। माँ बाप के लिए आप बोझ मत बनिए, माँ बाप के लिए आप ये सोचिए कि माँ बाप ने कितनी मेहनत से आपको पाला है। आज झुंझलाकर बात करना तो आसान है, लेकिन माँ बाप के लिए आपको अगर बाप आज ये बेटा कहीं कव्वाली हो जाकर हजारों रुपए लुटा देता है, ये बेटा मजार पे जाके 10,000 की चादर चढ़ा देगा, लेकिन बाप अगर बूढ़ा घर में है वो कहे बेटा 1 kg सेब लेते आना, सिवान जा रहा है, फला जगह जंक्शन जा रहा है या बाजार जा रहा है, तो बेटे की नाक चढ़ जाती है। मैं कहना चाहूंगा आप खुश नसीब हैं अगर आपको अल्लाह ने दौलत दिया है और बाप अगर आपसे फरमाइश करता है तो आप खुश नसीब हैं कि आपको अल्लाह ने उस लायक बनाया है कि आपका बाप आपसे फरमाइशें करता है। कम से कम ये तो सोचिए बेटा 10,000 की चादर चढ़ा देगा मजार पे। मैं कहना चाहूंगा मजार पे आप देखिए किताबों को, एक चादर सिर्फ डाली जाए, क्यों? ताकि दूसरी कब्र से उसका मर्तबा बुलंद समझ में आए, लगे कि ये किसी बुजुर्ग का मजार है, बुजुर्ग की कब्र है। लेकिन ये नहीं कि आप 10,000 की जाकर चादर चढ़ाएं, चादर बाद में चढ़ाएं, माँ बाप को पहले राजी करें। ये बेटा ईद में अपनी माँ को एक साड़ी कीमती नहीं देता है, वो माँ जब तक ना कहे कि मेरा बेटा ये साड़ी मेरी पहनते पहनते फट गई है नीचे, अब वो पहनने के लायक नहीं है, तब तक ये बेटा साड़ी लाकर नहीं देता है। और उसके बाद माँ की गैस की दवा अगर खत्म हो जाए तो ये बेटा झुंझला कर कहता है ओ माँ क्या मेरे ही सर पे सारी चीजें हैं, मैं कितना देखूंगा। आप शुक्र अदा करें अल्लाह का कि आपको इस लायक बनाया है कि आप दे सकते हैं, वरना भाई मेरे माँ बाप से दुआएं ले रहे लेते रहे, क्यों? माँ बाप अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देंगे तो सारी दौलत एक तरफ, माँ बाप की दी हुई मुस्कुरा कर दुआ एक तरफ। यकीनन 10 रुपए की गोली आप डेली नहीं दे सकते हैं माँ को, और आप 50-100 रुपए की पुड़िया खा लेते हैं, गुटखा खाकर थूक देते हैं, 100 रुपए की दिन भर में चाय पी लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा माँ बाप की दुआएं लीजिए, माँ बाप दूसरे का मोहताज ना रहे। हमने एक रिक्शा चलाने वाले को देखा कलकत्ता में, वो बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफेद हो गई है, ये मास्टर मुजफ्फर हुसैन साहब, इमाम साहब की उम्र का है, वो रिक्शा चला रहा, अल्लाह अकबर। मैंने कहा कि ओ दादा ये बताओ कि अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दिया है, इस उम्र में रिक्शा चलाते हो? कहा कि क्या बताएं हजरत, अल्लाह ने 4 बेटों से नवाजा है, 4 बेटों से। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहा कि क्या बताएं, अल्लाह ऐसी औलाद ना देता, मुझे बे औलाद रख लेता, यही मेरे लिए बेहतर था। खबरदार, माँ बाप की जबान से कभी ऐसे जुमले नहीं निकले आपके लिए। माँ बाप की जैसे दुआ जितनी जल्दी कबूल होती है, माँ बाप की बददुआ भी उतनी जल्दी कबूल होती है। इसलिए माँ बाप की दुआएं लीजिए, अपने असातेजा जो टीचर हैं जिससे आपने कुछ सीखा है उनकी भी दुआएं लीजिए, वरना तो आज अदब नाम की चीज नहीं है, आज एहतराम नाम की चीज नहीं है। आज सारे अक्सर लोग बदतमीज हो गए, वो ये चाहता है कि हमारा मास्टर साहब हमसे नीचे रहे, वो ये समझता हमारा हाफिज साहब, मैं पैसा देता हूं, मैं बड़ा बाप के बेटा हूं, वो कैसे मार देंगे मुझको। ये हमारे जैसे बच्चों, आजकल के बच्चों का जहन है, लेकिन याद रखिएगा वो पहले के लोग थे। इमाम नसई के पास हारून रशीद ने, बादशाह हारून रशीद ने अपने बेटे को पढ़ने के लिए दिया। सुनिए उस्ताद का अज़ब क्या होता है। कहा गया है कि माँ बाप ने तो पैदा किया,
लेकिन मिट्टी को अगर सोना कोई बनाता है तो वो उस्ताज की जात हुआ करती है। हारून रशीद, बादशाह हारून रशीद ने बेटे को दिया, कहा कि हजरत इसको पढ़ा लिखा कर अच्छा आलिम बनाइए। एक दिन हारून रशीद ने तो दे दिया, लेकिन बादशाह उधर से गुजर रहा था, जैसे ही गुजर रहा था ना तो देखा कि बादशाह का बेटा वजू के लिए अपने हाथ से पानी डाल रहा है और उनके उस्ताज वो अपना पांव वजू कर रहे हैं, पांव धो रहे हैं। अल्लाह अकबर। हारून रशीद बादशाह रुक गए, उतरे, गुलामों को साथ लिया। गुलामों ने सोचा, नौकरों ने सोचा, आज मौलवी की खैरियत नहीं है, बादशाह के बेटे से पानी डलवाता है। सबने सोचा आज मौलवी की खैरियत नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर कुर्बान जाए, हारून रशीद बादशाह वो पहुंचे वहां पे, अपने बेटे को एक थप्पड़ जोर से मारा, कहा कि नालायक, उस्ताद का ये अदब होता है कि तू पानी डाल रहा है? सिर्फ उस्ताद का अदब तब होता कि तू एक हाथ से पानी डालता, दूसरे हाथ से उस्ताज के पांव को धोता, तब जाकर उस्ताज का हक अदा होता। अल्लाह अकबर। लेकिन यहाँ बेटा बाप से झुंझला कर बात कर लेता है, वो शागिर्द उस्ताज से झुंझला कर बात कर लेता है। मैं कहना चाहूंगा, अदब सिखाइए अपने बच्चों को, अदब नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए माँ बाप की दुआएं लीजिए, शराब नोशी से तौबा कीजिए, शराब मत पीजिए। ये शराब दुनिया वाले बड़े बेवफा हैं भाई, कितने लोग दुनिया से चले गए। नौजवान क्या समझते हैं आज, अभी तो मैं जवान हूँ भाई, अभी तो बहुत उम्र बाकी है, जब अधेड़ उम्र में पहुंचूंगा तौबा कर लूंगा। क्या पता है कौन दुनिया से किस वक्त जाए। दुनिया में आने का एक सिस्टम है, बाप पहले आता है बेटा बाद में, दादा पहले पोता बाद में, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। आने का सिस्टम है, जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को कंधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। क्या आपने नहीं देखा? तो फिर क्या सोचते हैं कि हम अभी जवान है। शराब अगर पीते पीते जवानी में मौत हो गई तो याद रखिएगा कोई बच्चों को देखने वाला नहीं होगा। ये जमाने वालों से वफा की उम्मीद मत रखें। हमने तो ऐसे लोगों को भी देखा है, जब बड़ा भाई का इंतकाल होता है, छोटा भाई दौड़कर उनके बच्चों को भतीजों को सीने से लगा लेता है और कहता है, ओ मोहल्ले वालों, आज से ये मेरा बेटा है, भतीजा नहीं, बेटा है, ये मेरी बेटी है। ये मोहब्बत कब तक रहती है चचा की? जब तक चहारम और चालीसवां नहीं हो जाए। चहारम चालीसवां के बाद हमने कितने चचा को देखा है, वो भतीजों का इतना बड़ा दुश्मन बनता है कि गाँव वाले कहते हैं, अरे कोई चचा भी इतना बड़ा दुश्मन बन सकता था क्या? वफा की उम्मीद मत रखें किसी से। अगर दिल लगाना है तो मदीने वाले मुस्तफा से वफा की उम्मीद रखें। वो मदीने वाले मुस्तफा जो दुनिया में भी काम आएंगे, कब्र में भी काम आएंगे, मैदाने महशर में भी काम आएंगे। हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर से इश्क करें। ये जलसा मास्टर मुजफ्फर हुसैन साहब ने अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस पे सजाया है, इसलिए माँ बाप की आप कदर कीजिए, दुआ लीजिए। इम्तिहान में पास होना है बच्चों तो आप जाते हो दौड़कर हाफिज साहब तावीज दे दीजिए, हाफिज साहब दुआ कर दीजिए, हाफिज साहब से दुआ लीजिए। लेकिन हाफिज साहब से पहले अगर घर में माँ बाप हैं उनकी दुआएं लीजिए। वो अगर आंचल को, माँ अगर आंचल को उठाकर दुआ दे दे तो यकीनन आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह अजीज आपका बेड़ा यहाँ भी पार रहेगा, वहाँ भी पार रहेगा। मास्टर मुजफ्फर हुसैन साहब, इमाम साहब ने ऐसी महफिल का इनकाद किया, इनके बच्चों ने, सारे खुश अखलाक हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। महबूब जफर भाई से नाते मुस्तफ़ा भी शायद सुननी है गालिबन, खाने पीने का भी इंतज़ाम है। हाँ, और भी पढ़ना है ना? हाँ हाँ पढ़ना है, पढ़ देता हूँ, अरे आपकी इजाज़त हो मैं तो पढ़ ही दूंगा। ज़रा सुनिएगा, इस्लाम की खूबसूरती, लेकिन आपको समझना कहाँ से होगा? किसी को दूसरे को देखकर, इस्लाम हमारा डिबेट को देखकर मत समझिए। लोग तो आज, मैंने पहले ही शेर पढ़ा है कि आंखों की वो बरसात समझते ही नहीं है, इंसान के जज्बात समझते ही नहीं है। वो मंदिरों मस्जिद में हमें बांट देते हैं, हम हैं के कोई बात समझते ही नहीं है। हम कोई बात समझने वाले लोग नहीं है, हमको समझना होगा। कोई अगर कुछ बोलता है तो क्यों बोलता है, आपस में दरार ना हो। हमारे यहाँ मेरे घर के बगल में पंडित जी का घर है, वो अगर जाता है तो हमको बेदार करके जाता है, वो फजर के टाइम में। हम जा रहे हैं, आप भी जाइए नमाज पढ़ने,
मोहब्बत है। इस हिंदुस्तान में लोग इतनी मोहब्बत से रहते हैं, हम लोग तो अयोध्या भी गए हैं, वहां लोग इतनी मोहब्बत से रहते हैं, अल्लाह अकबर क्या बताया जाए। सब लोग मोहब्बत के साथ, सैकड़ों लोग अपने जलसों में आते हैं, वो भी सुनकर जाते हैं इस्लाम के पैगाम को। लेकिन शर्त है इस्लाम के पैगाम को समझना होगा। इस्लाम कहता है, देखे किताब का नाम मैंने क्या कहा, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन चीजों से पाक साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। अल्लाहु अकबर। देखे अच्छा वो तो हो गई, यही किताब मैंने जो मंत्र पढ़ा है क्या कहा, वायुर्दे यर्मुगड़ी वनला शशंका प्रजापतिष्टम पर पिता महस्त नमो नमस्ते सुसाहस कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। वायुर्द मन हवा, यर्मुगड़ मन आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद, और सुनिएगा वरुण माना सूरज का वायुर्दे यर्मुगड़ी वनला शशंका प्रजापतिष्टम पर पिता महस का इस हवा को, इस चंद्रमा को, इस आकाश को, इस पृथ्वी को, इस प्रकाश को और इस चांद को, इस चंद्रमा को जिसने बनाया नमो नमस्ते सुसाहस कृता, हम उसी के सामने अपना मत्था टेकते हैं। इस्लाम कहता है लोगों जमीन तेरे लिए अल्लाह ने बनाया, आसमान तेरे लिए बनाया, चांद को तेरे लिए बनाया, सूरज को तेरे लिए बनाया, ये कायनात अल्लाह ने तेरे लिए बनाया है, लेकिन तुझको रब ने अपनी इबादत के लिए बनाया है। ये इस्लाम कहता है। सुनो दूसरों से भी अगर आप सुनेंगे ना तो यकीनन याद रखिएगा दूसरों में भी मोहब्बत का पैगाम आम किया जाता है। वो एक पंडित जी हैं, पंडित जी कहते हैं सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, और जिसने किया गए जग की रचना, जिसने किया गए जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़, और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, और ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित ने आगे कहा माटी की मुंह रथ को पूजे, माटी की मुंह रथ को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मुंह रथ को पूजे, जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान का प्यारे, जिस मूरत में जान का प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान, और चलती फिरती ये मूरत गए, चलती फिरती ये मूरत गए, मालिक की पहचान, और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। पंडित ने कहा लोगो लोग बेजान मूर्तियों को तो पूज लेते हैं, लेकिन उसका भाई बगल में जिसके अंदर जान है वो भाई उसका भूखा सो रहता है, भाई तड़पता रहता है, लेकिन उसकी लोगों को फिक्र नहीं होती है। याद रखिएगा पड़ोसी अगर कोई भी हो तो आपकी तकलीफ से वो महफूज रहना चाहिए, वरना तो याद रखिएगा अगर आपने जिंदों की कदर नहीं किया तो फिर बेजान की कदर करने से क्या फायदा है। आप जिंदों की कदर कीजिए कि
किसी को आपके दिल से तकलीफ ना पहुंचे। सब मोहब्बत के साथ रहिए, सब अकीदत के साथ रहिए। मुस्तफा की तारीफ सारे लोगों ने किया है, एक ने कहा है संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी। आप इस पे सुभान अल्लाह बोल सकते हैं क्योंकि ये किसी दूसरे का कलाम नहीं है, अपना कलाम है। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। संकट मोचन संकट हारी यानी या रसूल अल्लाह हमारी तकलीफ को भी दूर कर दो, हमारी परेशानियों को भी दूर कर दो। अगर अरबी में कह दूं या रसूल अल्लाह के उन जुरहालना या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना इन्नी फी बहर हम में मुगरक खुज यदी सकिलना अशकालना। अरबी में गए अगर इसे पलट के संस्कृत में कह दूं संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। अर कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह बिंदी कर दो मंगल मंगल तोरा राज चलते गए मंडल मंडल। या रसूल अल्लाह बिंदी कर दो मंगल मंगल तोरा राज चलते गए मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी। या रसूल अल्लाह हमारी तकलीफ को भी दूर फरमा दे, हमारी मुसीबतों को भी दूर फरमा दे। तभी तो कहा था पंडित ने शरण गुरुन मगा सुख सागर अत्यर चार मगा शुभ सागर। शरण गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यर चार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम मध्य पार न होए वे। यानी लोगों अगर कोई नमाज भी पढ़ता है, कोई रोजा भी रखता है, कोई हज भी किया है, कोई जकात भी देता है, बहुत नेकियां करता है, लेकिन याद रखना अगर नबी से मोहब्बत नहीं है तो यहाँ भी बेकार है वहाँ भी तेरा बेड़ा पार नहीं होगा। अगर नबी से मोहब्बत है तो नमाज भी कबूल है, रोजा भी कबूल है, हज भी कबूल है, जकात भी कबूल है। अगर नबी से मोहब्बत है तो दुनिया में इज्जतदार हो, मरने के बाद इंशाल्लाह जन्नत के हकदार हो जाओगे। नबी से मोहब्बत कीजिए, नबी से प्यार कीजिए। मेरी बातें जितनी देर हुई अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, माँ बाप के लिए अपने दिल का दरवाज़ा बढ़ा रखिए, माँ बाप के की खिदमत कीजिए, माँ बाप की दुआएँ लीजिए, उलमाए किराम की भी दुआएँ लिया कीजिए। ये उलमा जब चलते हैं रास्ते से इनका मकाम ये है कि रास्ते से चलते हैं समंदर की मछलियां सुराखों की चींटियां भी इनके लिए बख्शिश की दुआएं मांगा करती है। इंशाअल्लाहुल अजीज हयात बाकी फिर कभी मुलाकात होगी। मैंने जो बातें बताई अल्लाह ने कुरान में फरमाया है या अय्युहल्लज़ीन आमनु कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। अपने बच्चों को गलत संगत से दूर रखें, गलत सोहबत से दूर रखें, अपने बच्चों को नेक रास्ते पर चलाएं, अच्छी तरबियत करें, अच्छी तरबियत दें, अच्छा अदब सिखाएं। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। पूरा मजमा पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से उठकर जाइएगा, गुनगुनाते जाइएगा, घर जाकर कहिएगा प्यारी माँ मुझको तेरी।
घर जाकर पूरा मजमा जरा जोर से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और बुलंद आवाज से, तेरे आंचल की ठंडी हवा। माँ के बेटो जितनी माँ से मोहब्बत है, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, माशाल्लाह तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। अस्सलामु अलैकुम।